फिर एक बार मोदी सरकार। नमस्कार, मैं हूं अनुश्री। उड़न तश्तरियों से आने वाले मेहमानों की तमाम कहानियों से आप वाकिफ हो चुके होंगे। कैसे एलियंस चुपके से इस धरती पर आते हैं और कैसे वो कुछ जगहों पर अपनी निशानियां छोड़ जाते हैं। लेकिन इस बीच जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली खबर सामने आई है वो महाराष्ट्र के पुणे से आई है, जहाँ एक इंसान ने एलियन देखने का दावा किया है। पुणे की पुलिस को उस वक्त माथापच्ची करनी पड़ी जब उन्हें पता चला कि पुणे में रहने वाले एक आदमी ने एलियन जैसी कोई चीज देखने का दावा करते हुए पीएमओ को एक ईमेल तक लिख डाला है। दरअसल पिछले दिनों पीएमओ को एक ईमेल मिला था। इस ईमेल में पुणे के एक निवासी ने यह दावा किया कि उसने अपने घर के बाहर किसी तरह की एलियन जैसी चीज को देखा है। इस आदमी ने अपनी ईमेल में जांच की मांग भी की थी। इसके बाद पीएमओ ने इस मामले को महाराष्ट्र पुलिस को भेजा, जहां से पुणे पुलिस को इसकी जानकारी दी गई और मामले की तह तक जाने को कहा गया। और जब पुणे पुलिस ने इसकी तहकीकात की तो पता चला कि कोथरूड इलाके से 47 साल के एक आदमी ने पीएमओ को ये मेल किया है। और जब पुलिस ने उसके परिवार से बात की तो पता चला कि उसके परिवार को इस बात का इल्म तक नहीं था कि ऐसा कोई मेल भेजा गया है। 15 दिन पहले हम लोगों को ये एप्लीकेशन मिला था। इसमें जो एप्लीकेंट है, जिसने कंप्लेंट किया है, वो पुणे में करवे नगर का रहने वाला आदमी है और उसने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ये कंप्लेंट किया था कि सिंहगढ़ रोड पे जो वेंकीज का ऑफिस है, तो उस ऑफिस के सामने जो फॉरेस्ट की जगह है वहाँ पे कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज़ होते, कुछ एलियंस वहाँ आके रुके और वो अपने देश की इंफॉर्मेशन जमा कर रहे और शायद किसी को भेज रहे। तो वहाँ पे उन्होंने रडार सिस्टम और फ्लड लाइट्स वगैरह लगाए हैं और जब भी ये आदमी अपने घर के खिड़की से देखता है तो उसके फोटोग्राफ्स लेते हैं, उसको कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये जब एप्लीकेशन हम लोगों को मिला तो हम लोगों ने उसमें इन्वेस्टिगेशन किया, वहाँ जाके देखा तो वहाँ पर ऐसे कुछ नहीं था। तो इनको हम लोगों ने इंक्वायरी के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया। वो उनके वाइफ के साथ आए यहाँ पे। तो वाइफ ने हमको बताया, हम लोगों को बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है, इनका ब्रेन का ऑपरेशन हो गया है ट्यूमर का और इनके ऊपर अभी इलाज चल रहा है और इनको अलग अलग टाइप के भास होते हैं जो, और इसकी वजह से वो ऐसे एप्लीकेशन उन्होंने किया है। इस बीच सिंहगढ़ रोड पुलिस स्टेशन के एक पुलिस अधिकारी ने मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि मेल भेजने वाले उस आदमी को कुछ साल पहले ब्रेन ट्यूमर हो गया था और इसी के चलते उसे ऐसी अजीबोगरीब चीजें दिखने लगी है। उसे लगा था कि एलियन ऑब्जेक्ट पृथ्वी के बारे में कोई जरूरी जानकारी अपने प्लैनेट पर भेज रहा था, जिसके बाद उसने तुरंत पीएमओ को जांच की मांग के साथ एक मेल लिख दिया। बचपन से ही हम सभी ने ही ऐसी ना जाने कितनी कहानियां सुनी होंगी और कई वैज्ञानिकों ने इसे सही भी माना है। तभी शायद एक मेल के चलते पीएमओ से लेकर पुणे पुलिस तक परेशान हो गए थे। हालांकि तहकीकात में पुलिस को कुछ खास नहीं मिला,